पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. मंदिर में तुम्हें शिवजी के सामने बात करते सुना था. तुम्हें ये महल जैसा घर पिंजरे के समान लगता है ना. तुमने पीपल के पत्ते का एक रूप देखा है. पेड़ों पर लगा ताजा हरा हरा पत्ता जैसे जैसे चौंडी गांव के अहिल्या का एक अलग रूप था. आजाद, स्वच्छंद, अपनी मर्जी से यहां वहां दौड़ लगाने वाली अहिल्या. लेकिन बदलाव तो जीवन का हिस्सा होता है और ये बदलाव हमेशा पूरा नहीं होता. हाँ, कठिन जरूर लग सकता है इस पत्ते को ही देख लो. जब ये सूख रहा था तो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता था, मगर अब इन जालियों ने इसकी खूबसूरती को एक नया रंग, नई पहचान दी है. बस उसी तरह एक नए माहौल में आज जो घुटन लग रही है ना तुम्हें, वो भी बदलाव की एक प्रक्रिया है. एक नया और बहुत ही सुंदर बदलाव जो अहिल्या को एक नया रूप देगा. मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा ना? नहीं, वो बात नहीं है, पर अच्छा, मेरे बचपन की तस्वीर देखोगी? मैं भी राजघराने से हूं, पर जब मैं यहां शादी करके आई तो जानती हूँ मेरे बाल कैसे थे? कैसे? जैसे चिड़िया का घोंसला. कंघी भी बड़ी मुश्किल से जाती थी बालों के अंदर. देखो. आप ऐसी लगती थी. ये चित्र खंडेराव ने बनाया था जब उसने मुझे पहली बार देखा. अच्छा हुआ अक्का साहेब ने मेरे बालों को सवार कर ठीक कर दिया, नहीं तो आज भी तुम्हें मेरे सर पर घोंसला दिखाई देता. अरे हाँ, हम तो बातों में लग गए. तुम कुछ कहने आई थी? हाँ, वो सासू बाई ने मुझसे कहा था कि आपसे पूछ लूं कि भंडारे के लिए क्या क्या करना है, कैसे करना है. बता दोगी ना? भंडारे के लिए पिसी हुई हल्दी लगेगी, मतलब सूखे हलकुंड का चूर्ण बनाना होगा. हवेली के पीछे धूप में हलकुंड रख दिए थे मैंने सूखने के लिए, वो ले आएंगे. उसके बाद होलकर परिवार की सभी बहुएं मिलकर हल्दी पीसेंगी. मैं जाके ले आऊं?
छोटे सूबेदार जी बहुत सूझबूझ वाले हैं, बिल्कुल अपने पिता मल्हार सरकार की तरह। मुझे भी ऐसा ही लगा, मानो छोटे सरकार नहीं बड़े सूबेदार जी बैठे हो सामने। क्या सुझाव दिया उन्होंने चावड़ी में, उन लोगों की जानकारी लेना जो हाल ही में यहाँ आए हैं। बात छोटी सही पर सबसे अच्छा और कारगर तरीका यही तो है। इतनी कम उम्र में ऐसा रास्ता खोजना जिससे जनता को परेशानी भी ना हो और दुश्मन का भी पता लग जाए, कोई मामूली बात नहीं है। सही कहा आपने। मुझे लगता है कि हमें चावड़ी में जाकर पता करना चाहिए कि मालवा में कोई नया नया आया है क्या, क्योंकि वहां तो सबके नाम लिखे हुए होते हैं ना। तुम अपना काम करो, रसोई पर ध्यान दो, पूजा पाठ करो। कितनी बार कहा हमने तुम्हें, रियाज करते समय परेशान मत किया करो हमें, समझ नहीं आता तुम्हें? और आपको समझ नहीं आता कि झूठ बोलना बहुत गलत बात होती है? हम झूठ बोलते हैं? हाँ, बार बार आप झूठ ही तो बोलते रहते। हाँ, मैं तो बिल्कुल बुद्धू हूँ ना, कोई काम नहीं कर सकती, कोशिश करूंगी तब भी कुछ नहीं सीख पाऊंगी मैं, है ना? हाँ हाँ, इसमें तो कोई झूठ है ही नहीं। अच्छा, तो फिर जो बात मैंने आपको बताई थी वो बात आप अपने नाम से दूसरों को क्यों बताते हो? सच कहो, आपने सरदार को वही सलाह दी ना जो मैंने आपको दी थी? तुम्हें किसने बताया? किसी ने बताया नहीं, मैंने सुन लिया। और कोई भी बोले लेकिन ये बात तो सच है ना, जो सुझाव मैंने आपको दिया था वो आपको अच्छा लगा, पर मुझे बुरी बुरी बात क्यों बोली? जब देखो तब मेरी हंसी उड़ाते रहते हो। आप कभी मत बोलना कि मैं बहुत बुद्धू हूँ, जरा से भी अकल नहीं है मुझे। अकल तो जरा से भी नहीं है तुम्हें, मगर कभी कभी भूल से किसी मूर्ख इंसान के मुंह से काम की बात निकल जाए उसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञानी है। तो क्या मैं मूर्ख हूँ? हाँ हो, बिल्कुल हो। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।